फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की रीडिंग का, जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके रिश्ते में जिसने तूफान मचा के रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने। तो आज रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी किस चक्कर में है। जी हाँ, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके हित के लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए क्या लेके आते हैं कार्ड में। तो रीडिंग का टॉपिक क्या है कि थर्ड पार्टी किस चक्कर में है। जी हाँ, थर्ड पार्टी अपने दांव पे चलाती रहती है। तो इसी चक्कर में आज देखेंगे किस चक्कर में है, आपके पर्सन को पाने के चक्कर में है या आपको भगाने के चक्कर में है। चलिए, जय माता दी। फर्स्ट कार्ड क्या है लीजिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, द मून का कार्ड। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और थर्ड ना आए, कभी अभी तक कोई चांस ऐसा नहीं हुआ है कि जिसमें मैं कहूँ कि थ्री नंबर का कार्ड कोई आया नहीं। लीजिए, नाम लिया साथ में हाजिर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, यही डिवाइन टैरो है। एनर्जी कैच कर लेते हैं ये। द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आके इसने रीडिंग का पूरा मतलब बदल दिया। दो कार्ड ऐसे आ गए। वाओ, द मैजिशियन। जजमेंट है क्या? जजमेंट का कार्ड। बॉटम क्या है गाइस? ओए होए, थर्ड पार्ट की एनर्जी कैसी निकल के आई है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। बॉटम कौन सा है? फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए, गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो जनरल राज ही है, इतने मायने नहीं रखते साइन। यहाँ अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया और वाटर साइन भी आया है। मैं कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, तवज्जो दीजिए कि ये आपके साथ डेट में कोई इम्पोर्टेंट नंबर हो। नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर थ्री इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है और नंबर 20 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूं, नंबर सेवन, नंबर थ्री, नंबर वन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है। अगर हो सकता है इन नंबर्स को आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए हो या कभी उन्होंने आपको कैंडल लाइट डिनर कराया हो, और जैसे कि 14 नंबर है, 14 फेब को यानी कि वैलेंटाइन डे को विश किया हो। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि थर्ड पार्टी किस चक्कर में है। गाइस एक चीज की तो क्लैरिटी मिल गई, आप लोगों का रिश्ता जो है खटास में चल रहा है, उसमें थर्ड पार्टी फैमिली भी है और बिजनेस भी है, और आपके पर्सन के जो माहौल है, जो आसपास के लोग हैं, जैसे भी हैं, मतलब साफ सुथरा माहौल नहीं है, नेगेटिविटी है भरी हुई सब में। जो भी बातें करते हैं रोने धोने वाली, सामने वाले को हील नहीं करते, ऐसे पर्सन आपके पर्सन जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, तो थर्ड पार्टी भी उनमें से एक हो सकती है। होता है ना, जैसे कोई इंसान पास में बैठता है, आप इतने परेशान थे, आप इतने दुखी थे, अगर कोई आपके पास आके बैठा तो थोड़ा देर बाद वो चला गया तो आपका मूड एकदम बढ़िया हो गया। और कोई होता है कि आप इतने खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, आगे थोड़ी देर ही बैठा और बाद में दिमाग में उलझने डाल के चला गया, और लगा रहेगा कुछ कह के तो गया नहीं, पता नहीं क्यों बात ही ऐसी करके गया कि नेगेटिविटी अपने आप इरेज हो जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है। देखिए थर्ड पार्टी की जहाँ बात की जाए तो थर्ड पार्टी फाइव ऑफ सोर्स से शुरू करते हैं। बॉटम जो है फाइव ऑफ सोर्स का है, तो इससे ये पता चलता है थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। गाइस बहुत चालाक है, अपनी जिस चीज पे कब्जा कर लेती है सामने वाले को देने वाली नहीं है, कहती है जो है बस सब मेरा ही है, सामने वाले को दुखी कर देती है, ऐसी है थर्ड पार्टी। अगर मैं कहूँ आपके किस चक्कर में है, तो गाइस थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कमिटमेंट लेना चाहती है, वो चीजें लेना चाहती है जिनके पीछे कभी आप उतावले होते थे। वो चाहती है कि आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन उसे कमिटमेंट दे दे एक रिलेशन का, एक रिश्ते का, या एक ऐसी जो अगर फैमिली है तो जो चाहते हैं वही करे आपके पर्सन, ऐसी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जिद्दी, अड़ियल और अपनी चलाने वाली एक कंट्रोलिंग इंसान है, जो हर बात में अपनी ही चलाती है, आपके पर्सन की बिल्कुल भी नहीं सुनती। वो चाहती है कि कमिटमेंट आप उसको दे दो, लेकिन तभी रिश्ते में ग्रोथ होगी, क्योंकि इस चीज़ को वो समझती है कि जब तक कोई प्रॉमिस नहीं करेगा तब तक कितनी मर्जी बातें हो जाए, बातें आगे बढ़ेंगी, होंगी, ख़त्म होंगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जब कमिटमेंट मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, होप हो जाती कि चीज़ें आगे जानेगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी अपने रिश्ते को नया मोड़ देना चाहती है, एक ग्रोथ में रिश्ता लाना चाहती है, और ग्रोथ के लिए वो आपके पर्सन से कमिटमेंट मांग रही है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि इस थर्ड पार्टी का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका नेचर ऐसा है, जिस चीज़ पे कब्जा कर देती है किसी और को देने का नाम नहीं लेती। तो यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स में भी यही है कि अपने आप में तन के एक ऐसे बिहेवियर में है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ, कोई दूसरा और नहीं है, जितनी मैं हूँ उतना मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेके आपके पर्सन परेशान रहते हैं। थर्ड पार्टी कहती है कमिटमेंट मिल जाए, मेरी चीज़ें सही हो, मेरे रिश्ते में ग्रोथ हो, और जो आपका पर्सन है सिर्फ थर्ड पार्टी के कहे अनुसार वो चले। लेकिन गाइस थर्ड पार्टी की इन्हीं हरकतों की वजह से आपके पर्सन हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, सपनों में भी आपके देखते रहते हैं, और दुखी अंदर से इतने हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ लोगों की नज़र में भले ही आमने सामने खड़े हो, दिल से उन्होंने पीठ मोड़ रखी है, कि दिल से उन्होंने बोल दिया कि अच्छा नहीं लगता। आसपास जो होते हैं थर्ड पार्टी के साथ बैठे बैठे, उनके जो है आपके पर्सन के सारे हाव भाव चेंज हो गए हैं। थर्ड पार्टी चाहती है कि फाइनेंस, एक बार आपके पर्सन उसके हाथ में आ गए तो सारी चीज़ें उसी की है,
हर दम आपके प्रसंग से ऐसी बातें करती रहती है कि आसपास जो है खुशियों का माहौल ख़त्म होके एक नेगेटिविटी इरेज करता है। चाहे वो आपकी बातें हों, चाहे वो बिजनेस की बातें हों, चाहे वो कारोबार जॉब की बातें हों, लेकिन एक ऐसा होता है ना खुशनुमा माहौल, वो थर्ड पार्टी के पास नहीं है। और आपके पर्सन जो है इसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है। उनको कई बार लगता है कि क्या करूं जो चीज़ें सही आ जाए, और बेचारे जो हैं डिवाइन टाइम का यही सोच के बैठ जाते हैं कि एक वक्त अभी ऐसा चल रहा है, वक्त आने पर चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी, यानी कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया कि ये चीज़ें सही हो। थर्ड पार्टी हमेशा चक्कर में रहती है, खाली आपको पर्सन के पाने को नहीं, चक्कर में रहती, उसका फाइनेंस, उसकी हर वो चीज़, रुतबा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के, अगर वो कोई उनका क्रश है, आपके पर्सन की लुक पे अट्रैक्ट है, पर्सनैलिटी पे अट्रैक्ट है, उसको आपके पर्सन की बातें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पर्सन, आपके पर्सन जो है वो सिंपल सोबर इंसान है, इतनी चटक मटक नहीं रखते, इसलिए उनको थर्ड पार्टी की ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिन चीज़ों में इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपके पर्सन में इंटरेस्ट नहीं लेती, दिल से हार्ट बाय टच नहीं है, वो टच है तो वो जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, जो फैसिलिटी है आपके पर्सन के पास, उन चीज़ों को लेके वो आकर्षक होती है। दिल से वो हार्ट नहीं है कि दिल में वो हो कि हाँ भी हार्ट के साथ हार्ट मिला है, इंसान कैसा भी हो अच्छा ही लगता है, वो चीज़ नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी चीज़ें आगे ले जाना चाहती है, कमेंट मांगती है, कमेंटमेंट नहीं मिलता उसको परेशान हो जाती है, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को लेके बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। अक्सर हो सकता है कि आप लोगों के पर्सन स्टेट सिटी कहीं से ज़्यादा दूर हो, इसलिए वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं और आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी रहता है कि थर्ड पार्टी की वजह से उनको, उन्होंने आपको सैड किया, उन्होंने आपको दुख दिया और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। गाइस देखिए, दो दो कार्ड आए, एक चैरियट का, एक मजबूती से स्पीडली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो जो चीज़ें ख़त्म हुई है वो शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी और एक इमोशनली अटैचमेंट के साथ। तो गाइस, आपके पर्सन अब डिवाइन की तरफ जाते जा रहे हैं, डिवाइन के रंग में रंगते जा रहे हैं, क्योंकि जब आपकी जुदाई है तो उन्होंने मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्ट तभी कबूल होगी जब वो ईश्वर के रंग में रंगे होंगे, तो इसलिए वो मैनिफेस्ट करते हैं ताकि सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। वो चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में न्याय मिले, आपको इस रिश्ते में न्याय मिले। धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और ईश्वर के आगे दुआएं करते हैं कि आपको वो हमेशा के लिए खुश रखे और जो चीज़ें आपने खोई हैं वो आपको दोबारा मिले। लेकिन गाइस, जहाँ थर्ड पार्टी की बात आती है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपको न्याय दें, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपको वो मैनिफेस्ट करें या आपकी तरफ बढ़े। थर्ड पार्टी सिर्फ अपना सोच रही है, रिश्ते की ग्रोथ का सोच रही है, पर्सन के फाइनेंस का सोचती है, पर्सन किस लुक का सोचती है, और अपनी चीज़ें कैसे कंट्रोल में करनी है सबसे ज़्यादा वही सोचती है कि सारी चीज़ें मैं ले लूँ फिर कोई कहीं भी जाता जाए। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने वाली इंसान है ये, चाहे ये ही है चाहे शी है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ आपके पर्सन को अपने बस में करना चाहती है, या मुझे लगता है कर चुकी है, इसलिए चीज़ें जब उसके मन मुताबिक नहीं होती तो वो परेशान होती है। वो नहीं चाहती कि कहीं आपका लिंक किसी भी तरीके से आपके पर्सन के साथ रहे, इसलिए हर दम वो इसी चक्कर में रहती हैं कि अपनी चीज़ें आगे जाएगी, ग्रोथ होगी, कमिटमेंट देंगे तो अपने आप आपके साथ उनका कनेक्शन जो है टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक्शन के दो दो कार्ड आए हैं,
तो आपके पर्सन कैसे आते हुए दिख रहे हैं? ये देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स का नीचे कार्ड है कि आप लोग बहुत दुखी हो, परेशान हो, दिल बहुत दुखा हुआ है, टूटे हुए हो आप। गाइस, ये फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी चीटर है। अगर वक्त आने पर आपके पर्सन ऐसे नहीं इसके काबू में आए तो झूठ बोल के, अपनी बातों में उलझा के, चीटिंग करके भी अपने दाव पेच चला के चीज़ें अपने कंट्रोल में करनी है, क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि चीज़ें मेरे हक में और हाँ में और कंट्रोल में होनी चाहिए। उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता भी को किस किस दाव पेच से ये चीज़ें हो रही हैं। ईमानदारी इसके हक में नहीं है, ईमानदारी थर्ड पार्टी के कोसों ही दूर है। चलिए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, गाइस तीन कार्ड निकले हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी चीजें सही होने की संभावना है। आपके पर्सन अभी आपको स्टोक कर रहे हैं, अगर कार्ड का मैं कहूँ, देख रहे हैं, उनका ध्यान आप में आ रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको प्रपोज करें या अपनी चीज़ें आगे ले जाने के लिए कहें, क्योंकि अब इन पे डिवाइन पे कृपा है और आपकी चीज़ें आगे सही होती हुई। वैसे अगर टाइम का हिसाब दे तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा आपका, यानी कि 7-8 महीने इन चीज़ों को लगेंगे, जिसमें आपको लगे कि आपके पर्सन थोड़े से आपके फेवर में है और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो हमारी, चलो एक कार्ड आपके लिए भी निकालती हूँ मैं। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे पर्सन इतने थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, इनके लिए क्या एडवाइस है जिसके लिए इनकी लाइफ जो है ठीक हो जाए? गाइस, आपके लिए ये कार्ड निकला है। डिवाइन कह रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग आप भी मत दौड़ाओ, ज़्यादा परख जांचो परखो मत, चुपचाप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, चीज़ें अपने आप आगे चली जाएंगी। क्योंकि जितने भी आप एफर्ट लगाओगे वो अभी काम नहीं करेंगे, अभी वो डिवाइन टाइम नहीं आया। जब वक्त आता है तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप आगे जाती है। इसलिए डिवाइन के टाइम का इंतज़ार करो और चुपचाप अपने मैनिफेस्ट करो और अपने रोज़मर्रा के काम करो, पॉजिटिव बनो। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि थर्ड पार्टी किस चक्कर में है। तो गाइस, थर्ड पार्टी चीटर है, हर एक चीज़ लेके भगा देती है, दूसरों को कंट्रोल करना, और वो चाहती है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में इतनी आ जाए कि उसके रिश्ते में ग्रोथ हो जाए, उसके फाइनेंस में ग्रोथ हो जाए, और वो आपके पर्सन से कमिटमेंट लेके चीज़ें आगे बढ़ाने के चक्कर में है। अगर उसको आपके पर्सन ऐसे नहीं मिलते तो वो चीटर इतनी है, वो कोई भी दाव पेच खेल सकती है। अगर ये आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जो नए आए हैं, एक टच ही तो करना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।